टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर में खुर्जा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा टीचर्स डेवलपमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों शिक्षक व शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस वर्कशॉप में बच्चों को पढ़ाने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल और सोसाइटी में रहन सहन के तरीकों के बारे में भी सिखाया व समझाया जाए, ताकि ऐसे बच्चे भी भविष्य में अपने परिवार, समाज और देश की सेवा कर सकें। इससे शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और समाज में रहने के तौर तरीके भी पढ़ने वाले बच्चों को सीखने को मिलेंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि एसएम खान से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल में शिक्षा का स्तर अभी भी चरमराया हुआ है, जबकि स्कूल में आने वाले बच्चे 7वीं, 8वीं या 10वीं तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों पर भी टीचर्स को ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आगे चलकर यह बच्चे अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने देश के बारे में सोच सकें, देश की सेवा कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए खुर्जा में लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन सेंटर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका पर्पज़ ये है, खुर्जा वेलफेयर सोसाइटी और मिल्लत फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है। पर्पज़ ये है कि हमारे जो टीचर्स हैं, क्योंकि उनका एजुकेशन में बहुत अहम रोल है और वही बच्चों को ट्रेन करते हैं, वही बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मकसद ये है कि उनका एक उनके लिए वर्कशॉप है कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकें बच्चों को, उनको नॉलेज दें, उनको ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उनको गाइड करें और उनको एक बेहतर इंसान बनाएं जो अपने घर की, कम्युनिटी की, सोसाइटी की, मुल्क की खिदमत कर सकें। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट इज़ देयर, अल्टीमेटली द पर्सन हु इज़ प्रोड्यूस ए चाइल्ड goes to a school and ultimately comes out of the school after 12 years, 13 years. And so the major part of his or her early life is spent in school, apart from his or her house. So he has to be trained in that atmosphere that he becomes a responsible good citizen of the country. तो इसके अलावा सर और भी कोई प्रोग्राम रहेगा कि आगे भी इन्हें मोटिवेट किया जाए, ऐसे चलता है? यहाँ मकसद यही है कि सोसाइटी इसीलिए बनी है कि एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे, खुर्जे की उन्नति की तरफ तवज्जो दे और स्कूल्स को एक बेहतर स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करें और स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको अच्छा माहौल स्कूल्स में मिले, वो भी सोसाइटी का एक मकसद है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ने आए, क्योंकि अभी क्या है, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये भी है कि पूरे बच्चे स्कूल्स में जाते नहीं हैं और जो जाते भी हैं वो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब 8वीं 9वीं क्लास के बाद 7वीं क्लास के बाद वो तालीम छोड़ने लगते हैं और ये ड्रॉप आउट रेट तकरीबन 70% के करीब है। तो ऐसे लोगों को स्कूल ना छोड़ने दिया जाए जिससे वो आगे अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। इस वर्कशॉप की अध्यक्षता रिजवान और रशीद खान द्वारा की गई, जबकि संचालन डॉक्टर शान मोहम्मद ने किया। एनआर पब्लिक स्कूल के सीनियर इंग्लिश लेक्चरर नजर मोहम्मद खान ने टीचर्स एंड देयर क्वालिटीज पर अपना प्रेजेंटेशन देते हुए टीचर्स की अहमियत और उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। खुर्जा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से हाजी बशीर अहमद कुरैशी, डॉक्टर इनामुल्ला खान ने शहजाद मोहम्मद खान को प्राइड ऑफ खुर्जा के सम्मान से नवाजा। टीचर वर्कशॉप में खुर्जा, बुलंदशहर, औरंगाबाद, गुलावटी और पहासू से लगभग 27 स्कूलों के 257 टीचर ने पार्टिसिपेट किया। टीचर्स वर्कशॉप में खुर्जा, बुलंदशहर, औरंगाबाद, गुलावटी, पहासू से 27 स्कूलों के 257 टीचरों ने पार्टिसिपेट किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमीनुद्दीन साइंटिस्ट, डॉक्टर अख्तर अली, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर शकील मलिक, जुबैर अहमद आदि ने सहयोग दिया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।